इंडिया को लेकर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, इंडिया को बताया अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली, देश को भारत बोलने का किया समर्थन, राजनाथ सिंह ने भी बताया इंडिया शब्द को पनौती। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव एकदम से सुर्खियों में आ गए हैं। कारण है इंडिया को लेकर उनका बयान। बात इंडिया अलायंस की नहीं बल्कि देश के नाम इंडिया की हो रही है। उनका कहना है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई हमारे लिए गाली है। अंग्रेजी में जो इंडिया शब्द है उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे। भारत के लोग और दुनिया के अंदर जहां जहां उन्हें लगता था कि जाहिल अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दे दिया है। इसके साथ ही हरनाथ सिंह यादव ने देश को केवल भारत नाम से संबोधित करने की भी मांग रखी है। एक नजर डालिए उनके बयान पर। और सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है, भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए, भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है। हरनाथ सिंह का कहना है कि भारत शब्द में जो जज्बा है वो प्राणवान है, इससे हमको ऊर्जा मिलती है, इससे श्रद्धा का भाव प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। इतना ही नहीं, हरनाथ सिंह यादव ने यह भी बताया कि देश में कुछ मूर्ख तत्व हैं जो अंग्रेजों की वकालत करते हैं। कैसे, सुनिए उन्हीं की जुबान से। मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं जो कहते हैं, वो लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहाँ इंडोनेशिया में सिंध नदी कहाँ थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहाँ कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कई अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए, उसी कड़ी में मेरा ये मत है। इंडिया गठबंधन पर राजनाथ सिंह का तंज। राजनाथ सिंह ने भी इंडिया शब्द पर तंज कसा है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर देश के नाम पर वार नहीं किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में अपने एक संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन के लिए कहा, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 2004 में हमसे भी एक चूक हो गई थी, हमने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और हम हार गए थे, अब आपकी हार भी निश्चित है। इसके आगे उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, आपको क्या पसंद है, इंडिया या भारत? हरनाथ सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।